ये कैसे होगा सर? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शुभ भोसले। हड़बड़ी में पानी गिर गया, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए। आप कब से तैयारी कर रहे हैं शुभ? सर 2020 से। 2020 से। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू हुआ था सर, 419 रैंक है मेरा। क्या बात है, पद नहीं मिल पाया, इस बार उम्मीद है। चलिए बढ़िया है। आप बिलासपुर से ही हैं? Yes. आते हैं, कहाँ है आपका घर? सर तालापारा में है। तालापारा में। आप को किस चीज ने प्रेरित किया राज्य सेवा में आने के लिए? सर मेरी दीदी राजस्व सेवा में है, नगर निगम में पहले वो है सर। और सर कोविड काल में मैंने अपनी दीदी को देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया सर, कि जैसे फूड पैकेट्स बांटना है और जो जो बेगर सर जो वो उनके से मदद करना सर, तो मुझे लगा सर ये जो कार्य क्षेत्र है मुझे मुझे सूट करेगा सर, मेरी पर्सनैलिटी को, इसलिए मैंने इसे चुना सर। किस पद पर हैं दीदी आपकी? सभी दीदी राजस्व अधिकारी हैं। राजस्व अधिकारी। चलिए, आपने बीएससी किया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के लिए एक वरदान है, इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? सहमत है तो क्यों, कोई पांच कारण मुझे कि नहीं। सर पहला तो सर जो छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं सर, तो पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर। और सर सिर्फ बिलासपुर के लिए नहीं सर, आसपास के क्षेत्र जैसे जांजगीर चांपा रायगढ़ और बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं सर, तो इसलिए सर ये उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है सर। इसलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ से आते हैं सर, बाहर से भी है वो। मैंने सुना है बहुत, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। सर इंजीनियरिंग सेक्शन वहाँ सर बाहर से रहता है पूरा। आर्ट्स में भी है बच्चे तो। आपने लाभ लिया कभी बाहर के लोगों से दोस्ती करने का प्रयास किया? सर क्योंकि मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में था सर, तो उस क्षेत्र में ही हो पाया सर मुझे। कौन से डिपार्टमेंट थे? फिजिक्स डिपार्टमेंट। फिजिक्स डिपार्टमेंट में कोई बाहर के नहीं थे स्टेट के? नहीं सर, हमारे क्षेत्र में नहीं थे सर, उस काल में नहीं थे सर। सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे थे? हाँ, अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के थे। अच्छा, तो आपने सिर्फ पढ़ाई लिखाई की है कि थोड़ा बहुत आउटर एक्सपोजर भी आपने रहा, आपका रहा है? मैंने तीन वहाँ सर फेस्ट होते थे हमारे, उससे सर मैंने एक मदद के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने कार्य किया सर। इसी में भाग नहीं लिया? सर मैं भाग नहीं लिया सर, लेकिन कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं कार्य किया हूँ। कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने कार्य किया। आपकी आपकी हिंदी उपन्यास पढ़ने की रुचि, पहले आपने नहीं लिखा है उसके बाद सिर्फ काटा है? सर वो लाइन में दिख नहीं पाया था, मैं गलती से हो गया। क्या आपने पैदा की है अभी रुचि? नहीं सर, मेरी वो मेरे को लाइन दिख नहीं पाया था सर। हिंदी उपन्यास में क्या पढ़ते हैं आप? सर अभी मैंने कर्मभूमि पढ़ी है सर। कर्मभूमि, कौन है उसके रचयिता? मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी तो बहुत महान लेखक हुए हिंदी साहित्य में, उनको सबसे महान लेखक भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि उन्होंने सभी क्षेत्रों में सर जीवन के हर एक क्षेत्र को उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से छुआ है सर। सर और जो हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा को सबसे उत्कृष्ट रूप में उन्होंने अपने अभी तक लिखा है सर, इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य में सबसे महान उपन्यासकार कहा गया सर। उनका एक बहुत प्रचलित उपन्यास है गोदान, बता सकते हैं उसके बारे में शॉर्ट में? गोदान जो है सर, इसमें होरी मुख्य पात्र है और उसका पुत्र गोबर, उसकी पत्नी झुनिया और होरी की पत्नी धनिया, ये चार पात्र मुख्य सर। और एक ग्रामीण पर सर गोबर की पत्नी झनिया रहती है, झुनिया, और होरी की पत्नी धनिया रहती है, तो सर ये चार पात्र प्रमुख पात्र है सर। और एक ग्रामीण परिवेश में सर ऋणग्रस्तता, जो जमींदार है उनका शोषण, यह प्रमुख इस पे ये सर इस पे आधारित है।
गोदान उपन्यास की अंतिम लाइन क्या है? सर उसमें जो धनिया रहती है, होरी की मृत्यु हो जाती है सर, और होरी के पास जितने भी जेब में पैसे रहते हैं वो धनिया ब्राह्मणों को, जहाँ का ब्राह्मण रहता है उसे ये बोल के देते हैं कि ये होरी का गोदान है। वेरी गुड सर। शुभ जी। यस सर। शुभ के आपके पर्यायवाची और बताइए तो कुछ। सर शुभ का अर्थ पर्यायवाची है, अच्छा, मंगलदायक, और सर भाग्य के रूप में भी से लिया जाता है। आप बिलासपुर से हैं? Yes, बिलासपुर में स्थित केंद्रीय उपक्रम के बारे में बताइए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, एक का एजेंसी का आपने नाम ले लिया है, उसके अलावा बताइए। सर एक SECL है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, दूसरा सर NTPC है, सीपत स्थित है, और सर SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे स्थित है। सर अभी नहीं है। SECL जो है, यस सर, तो ये किस प्रकार की कंपनी है? नवरत्न है, महारत्न है या मिनी रत्न है? सर SECL मिनी रत्न जी। SECL का जो मदर आपकी जो कंपनी है वो कौन सी है? सर कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी उसकी, और SECL उसकी सबसे बड़ी लाभदायक कंपनी है सर। आप भारत में कोल इंडिया के अन्य उपक्रमों का नाम बता सकते हैं? जैसे कि छत्तीसगढ़ में हम SECL कर रहे हैं, उड़ीसा में कुछ और है, आपका मध्य प्रदेश में कुछ और है, झारखंड में अलग है। सॉरी सर मेरी मुझे इसके बारे में जानकारी का अभाव है। आप भारत में स्थित एल्युमिनियम पावर, एल्युमिनियम जो कंपनी है, ठीक, जहाँ पर एल्युमिनियम का निर्माण होता है, ठीक, वैसे प्रोसेसिंग यूनिट या वैसे कंपनी का नाम बता सकते हैं? सर भारत में सर एल्युमिनियम उद्योग, यस सर, सर नालको है, और नालको कहाँ है? सर नालको उड़ीसा में है जी, और हिंडालको उत्तर प्रदेश में स्थित है सर। सर मैं भी दो यही याद कर पा रहा हूँ, और बालको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर में उद्योग की स्थिति कैसी है, और यहाँ पर कौन कौन से उद्योग है जो हमारे बिलासपुर में? सर बिलासपुर में सिरगिट्टी, और सिरगिट्टी तिफरा एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है सर। तिफरा में धान मिल और राइस मिल, दाल मिल ये प्रमुख क्षेत्र है। सिरगिट्टी में सर BC फर्टिलाइजर एक प्रमुख उद्योग है सर। सर पोटास और यूरिया एक प्रमुख है सर, यूरिया। फिजिक्स था? यस सर। फिजिक्स है ना? यस सर। न्यूक्लियर साइंस में हम पढ़ते हैं मंदक, मंदक के रूप में हम रिएक्टर में किस किस चीज का उपयोग करते हैं? सर कैडमियम का उपयोग करते हैं मंदक के रूप में, जो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एक्सेस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेता है सर, इसलिए उसको उपयोग किया जाता है। और उसमें हम शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में क्या यूज करते हैं? सर द्रव्य सोडियम का उपयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, द्रव्य सोडियम का। भारत में आप परमाणु ऊर्जा की क्या स्थिति है? सर स्थिति का मतलब ये बताइए आपकी, किस मतलब किस तरीके से इसका इसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक, या इसके क्या चांसेस हैं भारत में? सर भारत में थोरियम एक प्रमुख खनिज है सर, और इसलिए इसका स्कोप है सर यहाँ, और सर वर्तमान में तमिलनाडु में एक संयंत्र स्थापित किया गया है सर। थोरियम कहाँ पाया जा रहा है भारत? सर केरल के तटों पर पाया जाता है सर। कहाँ पर, किसमें? केरल के तटों में, किस मोनाजाइट रेतों में सर जी। और यूरियम भारत में कहाँ पाया जाता है? सर झारखंड के, सर मैं अभी स्थान याद नहीं कर पा रहा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा सर, सॉरी सर जी जी। ये जो आपका स्थान का नाम है तालापारा, यस सर, नाम कैसे पड़ा कुछ विशेष रूप से तालापारा? सर तालापारा में एक विशाल तालाब है सर जिसे माधव तालाब कहते हैं, उसके आधार पे से तालाब का रखा गया। बिलासपुर में पहले बहुत सारे तालाब हुआ करते थे, अब वैसे सब तालाब जो है विलुप्त होते जा रहे हैं अतिक्रमण की वजह से, तो अभी वर्तमान में आप बिलासपुर में कुछ ऐसे तालाबों का नाम बताइए ठीक, जिसको पर्यटन के लिए मतलब मॉडिफाइड किया गया है नगर निगम के द्वारा। सर बंधवा पारा तालाब है सर, जिसे वर्तमान में अभी खोला गया है सर, और बहुत भव्य रूप से बनाया गया है। तालाब जी सर अभी मैं एक ही याद कर पा जी 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 ठीक। तरुण सर ठीक। तो शुभ जी। यस सर। आपने मेंस लिखा होगा तो उसमें एक पार्ट आया होगा अशुभ की समस्या। यस। थोड़ा सा डिफाइन करेंगे शॉर्ट में? सर जो लक्ष्य प्राप्ति में
बाधक हो वह अशुभ है सर, जैसे घृणा है, लालच है, ये सभी सर अशुभ आए ये शुभ कहलाएंगे। अच्छा, अभी हाल ही में एक वेब सीरीज बहुत चर्चित था, शायद आपने देखा भी होगा, असुर। उसमें उस कैरेक्टर का नाम जो है आप ही के नाम से मिलता है, शुभ है, नाम शुभ है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप एज ए न्यूट्रल होकर बताना कि जो वो कर रहे थे, जबकि उन्हें तर्क जो दिए हैं वो लॉजिकल है, ऐसे नहीं कि लॉजिकल है वो, क्योंकि कुछ धार्मिक किताबों को पढ़कर जो है उसके हिसाब से वो चीजें करते थे, तो आपको बताना है किस हिसाब से वो जो कर रहे थे वो सही है या गलत है, अगर आपको लगता है सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? सर मुझे लगता है सर वो गलत है सर, क्योंकि यदि कलयुग का अंत करना है और वो चाहते थे कि पाप को अपने चरम सीमा पर जाना, तो सर वो AI की मदद से लोगों के मध्य वैमनस्य बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जो सिद्धांत जो फिलॉसफी उन्होंने यूज किया वो जो बताते थे वो तो गलत नहीं था, वो सही चीज को बताते थे, इम्प्लीमेंटेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कैसे गलत हुआ सर? जैसे ज्ञान पथ कृपाण की धारा, जैसे सर ज्ञान जो है वो दो धारी तलवार के रूप में सर, यदि आप उसका सही तरीके से उपयोग करोगे तो सही होगा सर, और अगर आप उसको गलत तरीके से उपयोग करोगे तो वो नुकसानदायक भी है, तो सर वो शुभ है सर, शिव ज्ञान का उसे पता तो सब है सर, वो अत्यंत मेधावी है, लेकिन वो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है, उसे सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है ये सर। अच्छा, आपका जन्म दिवस 10 दिसंबर को, भारत के लिए दिन क्यों महत्वपूर्ण है या पूरे विश्व के लिए ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है? सर 10 दिसंबर 1949 को UN द्वारा मानव अधिकार चार्टर को घोषित किया गया था सर। ये मानवाधिकार जो है इससे संबंधित एक बहुत बड़ी संस्था है, विश्व विख्यात एक संस्था है, उसका नाम बता सकते हैं? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल सुना होगा। यस जी। छत्तीसगढ़ में क्या विशेष है इस दिन का 10 दिसंबर का? सर 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी सर। शुभ, आपने कहा कि केरल के रेत के कणों में थोरियम पाया जाता है, फिर आपने एक शब्द यूज किया मोनोजाइट, एक शब्द हम इल्मेनाइट भी सुनते हैं, तो इल्मेनाइट और मोनोजाइट दोनों में कुछ समानता है, क्या है एक्चुअली ये दोनों? पर सर इसके बारे में मुझे जानकारी कब है? तो जो मोनोजाइट है वो अयस्क है या कुछ और चीज है? थोरियम का अयस्क कह सकते हैं या कुछ और चीज है वो? सॉरी सर मैं इसके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपकी हॉबी जो रही है वो उपन्यास रही है, है ना? आप उपन्यास आधारित 4 या 5 के मूवीज के नाम जो है आप बताएंगे, फिल्मों के नाम। सर चेतन भगत की उपन्यासों पर टू स्टेट पर और सर बंकिमचंद चटर्जी की चरित्रहीन पर पिक्चर बनी है सर, चरित्रहीन। सर मैं भी दो ही याद कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। शुभ, यस सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, यस सर, कि तालापारा में विभिन्न धर्मों विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, यस सर, ये बहुत अच्छी बात है, यस सर, लेकिन वहाँ कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो अपराध से रिलेटेड रहती है, क्योंकि आप वहाँ के निवासी हैं तो आप बहुत सारी चीजों को वहाँ जानते भी होंगे, जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसको भी जानते होंगे, तो यदि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता है या DSP के पद पर नियुक्त किया जाता है तो आप क्या ऐसा करेंगे कि वहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे, वहाँ की इलीगल एक्टिविटीज खत्म हो जाए, और क्या कैसे वहाँ का विकास तय करेंगे आप? सर जो तालापारा है वो मैं बता दो भागों में, एक जो है थोड़ा सा अपर जो थोड़ा डेवलप्ड है और दूसरा भाग है सर जो थोड़ा कम डेवलप्ड है, स्लम जिसे कहें हम, तो जो स्लम क्षेत्र है सर वहाँ ये मुख्यतः नशा और नशा की बिक्री के मुख्य समस्या है सर, तो वहाँ सर प्राइमरी है कि एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, वहाँ के बच्चे बिल्कुल पढ़ने लिखने नहीं चाहते, तो सर हमें वहीं पर एजुकेशन देना पड़ेगा सर, जिससे सर आसपास जागरूकता हो, और सर निजात कार्यक्रम एक चल रहा है सर जिसके द्वारा नशा मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है सर। दूसरा सर तीसरा अभी प्रयास किया जा रहा है सर कि स्लम को बदल कर वहाँ पर उन्हें आवास दिया जाए जिससे उनके जीवन गुणवत्ता आगे बढ़े, और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं दी जा रही सर, जिससे मुझे लगता है कि सर वह क्षेत्र कुछ वर्षों में इन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। मैंने प्रश्न पूछा था कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनकर क्या करेंगे, आप सरकार की योजनाएं बनाने लग गए? सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया था। सॉरी सर, प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता है तो आप क्या करेंगे, मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। यस सर, पहला है सर जो इलीगल जो
वहां से मादक पदार्थ बाहर से आ रहे हैं सर, उस पर हमें रोक लगानी होगी। कैसे रोक लगाएंगे सर? एक चैन के रूप में ये कार्य करते हैं सर, जिसमें कुछ डीलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, उन्हें हमें पहले टारगेट करना होगा सर, और इसके द्वारा सर ये इस पहला ये कार्य होगा सर। फिर दूसरा हम रिहैबिलिटेट करेंगे जो व्यक्ति वहाँ नशे के द्वारा आदि हो गए हैं, उन्हें हमें रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा सर। चलिए ठीक है। शुभ। यस सर। हमारा आकलन ये है कि आप कंफर्टेबल हैं इंटरव्यू देने में, आप चीजों को सही तरीके से पेश भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया, एक्चुअल क्वेश्चन भी तो आप अच्छा बचा रहे हैं, आप प्रिपेयर करके भी आए हैं, जैसे आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दिया तो आप सिचुएशनल क्वेश्चन में थोड़ा सा हड़ बढ़ा गए, तो वहाँ कई प्रकार के सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और यदि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसको ध्यान से सुन करके उसी का जवाब देने का प्रयास करें, क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन आपके लिए आपके माइंडसेट को हम जानना चाह रहे हैं। आप सीधा सीधा बोल सकते थे कि जो तालापारा का जो स्लम एरिया है वहाँ एजुकेशन की कमी है, वहाँ एजुकेशन की कमी है, तो मैं एजुकेशन की दिशा में काम करना चाहूंगा, मैं पहले भी जाता रहा हूँ, वहाँ के बच्चों से मिलता रहा हूँ, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करता रहा हूँ, बीच बीच में उनको अपने घर बुला करके मैं ट्यूशंस भी दे देता हूँ। यदि आपके मन में सारी बातें होंगी और यदि आप इस प्रकार से सोच पा रहे होंगे तो आपकी एक सोच प्रदर्शित होगी कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ नशा मुक्ति के लिए आप कह सकते हैं कि सरकार निजात अभियान चला रही है, वो तो ठीक है, साथ ही क्योंकि मैं वहां का निवासी हूँ तो मैं उन जगहों को भी जानता हूँ जहाँ पे इस प्रकार का व्यापार चलता है, तो मैं डायरेक्टली जाकर के वहां पर रेड डालूंगा और उनको खत्म करने का प्रयास करूंगा, और साथ ही उन युवाओं को जो नशे में और अपराध में लिप्त हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास करूंगा सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। इस प्रकार से आप एक आंसर दे सकते हैं। तो जो अनप्रिपेयर्ड आंसर है वहां पे आप थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हैं, तो इसके लिए बस एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपका इंटरव्यू जो आप पढ़ करके आए हैं, जो आप प्रिपेयर करके आए हैं उसी के बेसिस पर चलेगा, हो सकता है बिल्कुल फैक्चुअल सवाल हो जाए, हो सकता है बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल सवाल हो जाए, हर चीज के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, बस हमारा यही आपसे निवेदन है। बाकी आपका मेंस कैसा हुआ है सर? पिछले बार से तो अच्छा हुआ। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने यंग हैं, सेकंड अटेम्प्ट में ही आप दोबारा इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। फीडबैक जो सर लोगों ने लिखे हैं, मेरे हिसाब से तो जब तक वो सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं पूछा था तब तक मेरा फीडबैक आपके लिए बढ़िया था, अभी भी मेरा बढ़िया है, बस उस तरीके के क्वेश्चन पर काम कर लीजिए, थोड़ा सा आई कॉन्टेक्ट पर काम करने की आवश्यकता है। मेरे को दिक्कत हो रहा है सर, मैं नहीं देख पाता हूँ, देखता हूँ इधर उधर देखने लगता हूँ। एक काम करिए, आप एक बार आई टेस्ट करा लीजिए, आपका इंटरव्यू 29 को सर, आप एक बार आई टेस्ट करवा लीजिए, है ना? आज ही कल में, आज ही करवा लीजिए, आज या कल में आई टेस्ट करवा लीजिए। एक सिंपल नॉर्मल ड्रॉप आता है वो एक डॉक्टर से सजेस्ट करके, वो नुकसानदायक नहीं होता, एक नॉर्मल होता है, बोलेंगे तो आंखों को थोड़ा सा आराम, या सबसे बेस्ट है गुलाब जल होता है, एक बार जो है आप कंसर्न कर लेंगे जरूर, और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा उसको यूज करेंगे तो कम से कम राहत और आराम मिलेगी, क्योंकि कई बार नेचुरल प्रेशर आ जाता है उसमें, तो उससे निजात नहीं। अभी देखिए जीवन में आपको चश्मा लगता है तो चश्मा लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो खुद पढ़ते हैं, आपकी आंखें बता भी रही है, एक बार आजकल में टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है तो थोड़ा सा ऑड लगता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है, फीडबैक पे काम करिएगा। सर मेरा इंटरव्यू 29 को है और उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो सर क्या क्या प्रिपेयर करूँ उस क्षेत्र में? राष्ट्रीय खेल दिवस है तो आपको सबसे पहले तो हमारे यहाँ कितने खेलों को राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत शामिल किया गया है, राष्ट्रीय खेल इन द सेंस जो हम नेशनल गेम्स सब खेलते हैं, है ना, तो उसमें जो अवार्ड्स मिलते हैं वो 6-7 अलग अलग जो प्रकार के अवार्ड है, एक वो आपको याद रखना है। प्रमुख जो खेल है इंडिया के, जैसे अभी कुश्ती वगैरह जो बहुत आगे आ रहे हैं, नाम जो आगे आ रहे हैं, तो आपको उनके बारे में याद रखना है, स्पेशली ध्यानचंद जी के बारे में पूरी जो है वो उसके बायोग्राफी के बारे में पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि चूंकि आप उपन्यास के शौक है तो डेफिनेटली वहां से हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो स्पोर्ट्स जो सेक्शन है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली वो हुआ है और उस दिन अगर वो हुआ तो को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक। ठीक सर, थैंक यू सर। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।